असलम यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल टेक प्रो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली रैंक कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। कैसे आपका जो कम्प्लीटली रैंक की लो रैंक की जो कीवर्ड्स है वो कैसे सर्च कर सकते हैं, तमाम प्रोसेस बताऊँगा, आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे वायरल करना है, तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑल रखना है ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने पर आपने लिखना है यहाँ पे सर्च टैग लिख दें, सर्च टैग वन लिख दें, आप सामने यहाँ पे फर्स्ट एक वेबसाइट आ जाएगी मेरी, लिखा सर्च टैग वन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, मेरी वेबसाइट आपने देख लेना पूरी, नाम एग्जैक्टली देख लेना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अगर स्टेप को भी मिस किया तो आपको कोई भी जो स्टेप है मिस किया तो आपका बिल्कुल भी है जो आर्टिकल वो वायरल नहीं होगा। आप सिंपली मेरी जो वेबसाइट है आप सिंपली ओपन करेंगे, तो वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपका तमाम प्रोसेस भी इसी वेबसाइट के अंदर ही होगा, मेरी वेबसाइट के अंदर ही तमाम प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, जो भी मैं आपको लाइव कर हो रही है तमाम तरीका बताऊँगा, आपको स्किप ना करना है वीडियो को। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ अपनी, तो वेबसाइट पर आने के बाद आपने कहते हैं सिंपली आप सामने एक आर्टिकल छोड़ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा आर्टिकल है वो। तो सिंपली ये वाली मेरी वेबसाइट है, तो इसका मैं ऑलरेडी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपने जैसे मैंने तरीका बताया गूगल सर्च गूगल में जाकर सर्च टैग लिखे तो आप सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट के कम्प्लीट लोड होने का आपने वेट कर लेना है, उसके बाद आपने जाना है मेरी पोस्ट पे। अभी आपको लेटेस्ट पोस्ट नज़र आ रही है, आज आप वीडियो देखते हैं कल देखकर, उसके बाद शायद आपको सामने यहाँ पर ना शो रही हो तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है SEO टूल्स, यहाँ पर आप लिख देना है SEO सेटिंग या SEO टूल या फॉर जो भी लिख देना है SEO टूल्स फॉर बिगिनर्स। ये आप सामने ये वाली पोस्ट है, आपने आर्टिकल देख लेना, नीचे लिंक दे रहे हैं देख लेना, तमाम चीज़ें देख लेनी है। लिखने में आपने सिंपली इसको न्यू टैब में ओपन कर देना है, जैसे कि मैंने ओपन कर दिया है, तो आपने देख लेनी है टॉप फोर बेस्ट फ्री SEO टूल्स फॉर बिगिनर्स, फ्री SEO टूल्स फॉर ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स के लिए बिल्कुल फ्री है ये टूल्स, और इनको यूज़ करके आप अपने वेबसाइट की अच्छी SEO कर सकते हैं, अच्छी रैंकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की पोस्ट की आर्टिकल की, तो अच्छी कीवर्ड्स कंपटीशन भी यहाँ से आपने सर्च कर सकते हैं। आप सामने ये कंप्लीट जो जब आर्टिकल शो हो जाएगा तब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट आर्टिकल की शो होने का एक बार आपने रीड करना चाहिए डिलीट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप वीडियो को कंटिन्यू रखें अभी तक, अगर वीडियो स्किप किया तो आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आएगा, बार बार इस बात यही करता हूँ, आप शायद इस बात से तंग भी आ जाते होंगे। बार बार बात देने का मकसद ये होता है कि आपको ये समझ चल जाए कि आप जो मैं तरीका आपको गिव अवे कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको दे रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए पूरी तरह। अगर आपको वो बात ही समझ नहीं आई तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ वीडियो बनाने का। चैनल को आदमी सब्सक्राइब रखा करें क्योंकि कब से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सामने लाता रहता हूँ। तो आप सामने ये आर्टिकल कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, सिंपली जब आप सामने ये वेबसाइट मेरी पूरी ओपन हो जाएगी, ये आर्टिकल जब पूरा मतलब कि रीड मतलब कि लोड हो जाएगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। अब जब भी मेरा पूरा आर्टिकल लोड हो जाएगा थोड़ा नीचे जाएंगे आप सामने, अगर आप ये रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपने समझ लें मेरी वीडियो को देख लें। आपने यहाँ पे दिखा फोर स्टेप में लिखता है, ये तमाम स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके तमाम जो है टूल्स हैं फ्री टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने SEO टूल्स बेस्ट कर सकते हैं। इनमें से टॉप पे जो आता है वो सेमरश आता है, इसके तरीके मैंने बताया हुआ कैसे आप यूज़ करें या कैसे आपने फ्री यूज़ कर सकते हैं, तमाम तरीका मैंने इस पर बताया हुआ आर्टिकल में। अगर आप नीचे जाएंगे उसके बाद आता है, अगर आप उसके नीचे जाएँ सेम रश के बाद, ये तरीका मैंने बताया हुआ तमाम तरीका, यहाँ से आप रीड करना चाहते रीड कर सकते हैं, तमाम जो वैराइटी उसमें जो बेनिफिट्स दिए हुए इन्होंने कौन कौन से बेनिफिट्स दिए हैं वो तमाम यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। उसके बाद आता है स्मॉल SEO टूल्स, ये भी एक टूल है फ्री टूल है बिल्कुल, इसको आपने कैसे यूज़ करना है ये भी बताया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से, वो आप मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई हुई, यहाँ पर रिज्यूम इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, ग्रामेटिकल चेक, इस तमाम चीज़ें मैंने आर्टिकल कीवर्ड पोजीशन सजेशन टूल्स तमाम चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। अब आता है एरिफ्स आता है, या वेबसाइट, इसको भी कैसे यूज़ करते हैं तमाम तरीका मैंने इस पर बताया हुआ है, इसको आप सिंपली जाकर देखें और तमाम तरीका मैंने इस पर बताया हुआ है। तो आप मैं इनमें से कोई एक वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, बाकी आपने ऑलरेडी यहाँ से देखा था उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम चलते हैं सेमरश में, सेमरश बहुत ही आसान तरीका है, टॉप पे जो आता है सबसे बेस्ट जो आता है वो यही आती है। तो सेमरश को उससे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आप सबने कुछ जिस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप सेमरश के लिंक पे जाएंगे, आप मेरी लिंक मैंने आप ऑलरेडी दिया होगा उसी पे, आप आर्टिकल में आपने जाकर वहाँ पे देख लेना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स आपको सामने शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आप जाएंगे SEO टूल्स है, लोकल SEO टूल है, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया है, कॉन्टेंट मार्केटिंग है, डॉट ट्रेंड्स है, सोशल एजेंसी सॉल्यूशन है। सबसे पहले अभी जब इंटर होंगे आप सामने इसको लॉगिन करना पड़ेगा, आपने लॉगिन कर लेने जीमेल आईडी से अपनी, कोई भी आईडी से लॉगिन कर दें कोई बात नहीं, क्योंकि सेमरश ऑलरेडी काफ़ी सारी इंटरेस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा फार्मते हैं। SEO टूल में हमारे जो बेसिकली जो पर्पज़ था हमारा वो SEO टूल है, SEO टूल हमने कैसे करनी है वो तमाम तरीका यहाँ पे हमें बताया जाएगा। आप जो यहाँ पर SEO टूल्स में जाएंगे
तो आप सामने काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मतलब कि काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स आप सामने कॉम्पिटेटिव हिसाब में आ जाते हैं, आपके कीवर्ड्स कैसे जाते हैं, डोमेन ओवरव्यू कैसे करते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कीवर्ड गैप भी आपको बताता है, बैक लिंक गैप भी आपको इस वेबसाइट में बताता है। जस्ट आपको क्या करना पड़ता है, आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है वेबसाइट या डोमेन का, कीवर्ड सर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड लिख सकते हैं या डोमेन पेस्ट कर सकते हैं या यूआरएल या कीवर्ड कुछ भी आप पेस्ट करें, सर्च करके ऑप्शन में आप सामने तमाम में से कोई भी स्टेप आप इजीली टूल यूज़ करके वो यहाँ पे डिटेल आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। मैं आपको एक एक ही डिटेल भी मालूम करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम में आता है कीवर्ड रिसर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड रिसर्च आर्टिकल वायरल करने के लिए। सबसे पहले आपको कीवर्ड ओवरव्यू का बता देता है, इसमें कीवर्ड के बारे में तमाम डिटेल बता देती है, कीवर्ड कौन सा रैंक कर रहा है, कितनी कंट्री में रैंक कर रहा है और किस व्यूज पे। अब लिंक बिल्डिंग है यहाँ पर भी एनालिटिक्स बताता है, बैक लिंक्स के बारे में, ऑन पेज एसईओ के बारे में भी यहाँ पर बता देता है। तो अगर आप मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे आपने कीवर्ड ओवरव्यू कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, वो मुश्किल काम नहीं है ज़रा, जिस मतलब जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हमारे सामने टूल्स ओपन होगा, उसके बाद हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना होगा, कीवर्ड हम कोई भी कीवर्ड लिखेंगे उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कितना व्यू उसका मिल के कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मंथली व्यूज़ कितने आ रहे हैं और रैंक कितना कर रहा है वो गूगल सर्च कंसोल में। फिर हम उस कीवर्ड के बाद उस कीवर्ड पे हम आर्टिकल लिखते हैं, फिर हमारा आर्टिकल जो रैंक करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका ये फ़ायदा होगा वहाँ पे H1 H2 आप इजीली लिख सकते हैं और आप प्रॉपरली इस वेबसाइट पर इजीली आप आर्टिकल लिखेंगे, उसके वहाँ पे दिखाता है आपको SEO टूल्स के बारे में बताएगा, सब कुछ बताएगा इसी वेबसाइट के अंदर सब कुछ बताएगा। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड ओवरव्यू के ऑप्शन पे हम आए सिंपली, तो सिंपली हमारे सामने कुछ सारा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले आपने दिखाता हूँ नीचे, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना लिखना है, कोई भी कीवर्ड आप 100 कीवर्ड अप टू 100 कीवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पाक, पाक की जगह आप कोई भी कंट्री जो मतलब कि आप जिस कंट्री में अपनी जो कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हैं उस कंट्री का यहाँ पर आपने नाम लिखना है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में अगर रैंक कराना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में कराना चाहते हैं इंडिया में लिख सकते हैं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में लाना चाहते हैं रैंक तो यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लिखते हैं, जिस भी कंट्री का आप कराना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पर रैंक आपने लिख देना है, जो भी आप रैंक करवाना चाहते हैं उस कंट्री का आपने नाम लिख देना है। अब जैसे कि कीवर्ड में आप लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, राइट यूनिक आर्टिकल के बारे में लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इजीली जो हमारा रैंक के डिटेल्स बता देगा, मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा भी देता हूँ, वहाँ मुझे डिटेल का खोल के दिखा दिया इस कीवर्ड की। मैं जैसे कि लिखा था कीवर्ड SEO टूल, जैसे कि मैंने कीवर्ड लिखा था SEO टूल, इसने बताया यहाँ पे कि सर्च वाले में देखते हैं 4.4 है के है और इसका KD देख सकते हैं, आप CDB CP भी देख सकते हैं, तमाम चीज़ें CPA देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें इसकी डिटेल से बताई हुई हैं, रिजल्ट इसका आप देखते हैं कितने रिजल्ट्स हैं, गूगल साथ गूगल में इसके कितने रिजल्ट्स हैं तमाम बताए मैंने। तो इस तरह आप इजीली जा सकते हैं तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे सर्च करके उनको यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और आप कीवर्ड चाहते हैं मैजिकल टूल यूज़ करने का आप क्या मकसद ये होगा कि आपका यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे कीवर्ड तो आपका जो कीवर्ड की दिखा देगा और ऑर्गेनिक जो है ट्रैफिक इंसाइड करके भी दिखा देगा। तो आपके सामने सिंपली सर इंटरफेस आ जाएगा, आप जो ही जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग में जाएंगे, नीचे लिखा होगा SEO राइटिंग असिस्टेंट, इसके ऑप्शन में जाएंगे, आप सामने उसका इंटरफेस आ जाएगा। मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल यहाँ पर लिख चुका हूँ इसलिए मेरे सामने इस तरह इंटरफेस आया हुआ है, आप सामने बिल्कुल यहाँ पे आएगा कि एड अ न्यू आएगा या अट्रैक्ट आप सामने जो वो पेज वो बन जाएगा। आप अगर आप सामने इस इंटरफेस आता है आपने एनालाइज न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे आप सामने एक वर्ड की टाइप की एक फाइल ओपन हो जाएगी, मतलब वर्ड की टाइप की जैसे नहीं ओपन होती वर्ड में वैसे आप सामने यहाँ पे भी ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखना है, यहाँ जाते लिख सकते हैं आप अगर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे, अगर H1 H2 प्रॉपरली लिख कर फिर आपने SEO टूल SEO करके यहाँ पे तमाम चीज़ें करके फिर आप पोस्ट करें तो आप सामने ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंक करने के, इंडेक्स करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से करने आज देखें, अब जिसने आखिरी स्टेप मिस कर दिया वो उसके लिए तो मसला हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करें, 10 मिनट की वीडियो बनती है 11 मिनट की बनती है लेकिन आपके फ़ायदे की बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सामने कुछ हिस्सा का वर्ड टाइप का फाइल ओपन हो जाएगी, आपने क्या कर देना है सिंपली आपने अपने अपना आर्टिकल लिख देना, लिखना चाहते हैं H1 है, H1 ही होता है कि टॉप का जो आपकी जो हेडलाइन होती है, अगर आप मतलब जैसे कि लिखता हूँ फ्री कीवर्ड रिसर्च, तो ये जो मेरा होगा फर्स्ट वाला टाइटल ये मेरा H1 हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करूँ ये H1 हो जाएगा, इसको हाईलाइट करके H1 कर देगा। अब इसके नीचे मैं कुछ लिखता हूँ, उसके नीचे कुछ लिखने के बाद नेक्स्ट में अगर कोई रिंग दे मतलब कि टाइटल देता हूँ SEO टूल्स, मतलब कि नेक्स्ट इसके बाद जो टाइटल दूंगा वो मेरा H2 हो जाएगा,
अब उसके बाद जो थर्ड जो मैं टाइटल दूंगा वो मेरा S3 हो जाएगा। जैसे कि मैं S3 टूल के बाद लिख देता हूँ आर्टिकल राइट। तो ये लिखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके S3 के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, इस तरह H1 H2 H3 प्रॉपरली आपके होंगे, प्रॉपरली आपने आर्टिकल लिखा होगा। अब आपने यहाँ पर अपनी टारगेट कंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखा, गेट रिकमेंडेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे प्रॉपर SEO बताते रहिए आप कितनी SEO या 10 में से इतनी% हुई है, 10 में से इतनी% हुई है। जब आपकी 100% हो जाएगी प्रॉपर SEO यहाँ पे दिखा देगा, फिर आपने अपना आर्टिकल ऐसे करना है कॉपी और जाकर अपने एक ब्लॉगर पे जाकर पेश कर देना है, वर्डप्रेस पे जाकर पेश कर देना है। ये इजीली तरीका आपका आर्टिकल लिखने का, तमाम प्रोसेस करने का, SEO टूल करने का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे मेरी नई वीडियो।